मैं डॉक्टर के अरोड़ा, फिजिशियन, यूके नर्सिंग होम वेस्ट दिल्ली। मैं पिछले कई वर्षों से फिजिशियन के तौर पर यूके नर्सिंग होम में काम कर रहा हूँ। आज हम आपके साथ कुछ डिस्कस करेंगे, मैं कुछ आपको बताऊंगा यूरिक एसिड लेवल के बारे में। यूरिक एसिड इज ए केमिकल जो कि शरीर के अंदर मिलता है। ये हमारा फाइनल ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है प्यूरिन्स का। प्यूरिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। इसका प्रोडक्शन जो होता है वो लीवर में या इंटेस्टाइन में होता है और एक्सक्रीशन मेनली गुर्दों के थ्रू होता है। 2/3 इज एक्सक्रीटेड थ्रू किडनी, 1/3 इज एक्सक्रीटेड थ्रू द इंटेस्टाइन। इसके नॉर्मल लेवल 2.5 मिलीग्राम से लेके 8 मिलीग्राम तक होते हैं। इसका लेवल कभी कभी बढ़ जाता है और कभी कभी इस कंडीशन में लो भी हो जाता है। बढ़ा हुआ लेवल ज़्यादातर जो हमें मिलता है एल्कोहलिक्स में मिलता है, एक्सेसिव नॉन वेज डाइट वालों में मिलता है, माइलोप्रोलिफेरेटिव डिसऑर्डर्स में मिलता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज में मिलता है, सार्कोइडोसिस में मिलता है, हेमोलिटिक एनीमिया मिलता है, सिकल सेल एनीमिया में मिलता है। पर सबसे कॉमन चीज जिसके कंसर्न में हम इसके बारे में कंसर्न रहता है वो होता है हमारा जोड़ों के दर्द, जिसे हम लोग बोलते हैं गाउटी आर्थराइटिस। ये यूजली एक्यूट फॉर्म में आर्थराइटिस आती है, कभी कभी क्रॉनिक टाइप भी मिलती है। इसका इलाज कॉमन बड़ा आसानी से है, अगर हम अपना एल्कोहल का प्रेस करें, एक्सेसिव नॉन वेज डाइट को अवॉइड करें, पानी खूब पिएं और कुछ मेडिसिन जिसमें कि एलोपुरिनॉल या फेबोक्सेट आती है इनका सेवन करें, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और ये हमारे लिए कोई मुश्किल की बात नहीं है। इसको टेस्ट करने के लिए ब्लड का सिंपल सा टेस्ट है जिससे कि यूरिक एसिड लेवल हमें मिल जाएगा, क्योंकि इसके लेवल जो है वो कोरिलेट करता है यूजली विद गाउटी आर्थराइटिस। जितना लेवल ज़्यादा होगा उतना आर्थराइटिस ज़्यादा होगा और जितना लेवल कम होगा उतना आर्थराइटिस आपका कम रहेगा। ओकेजनली ये ब्लड प्रेशर भी बढ़ाता है और कभी कभी कोई देखा है कि उस पेशेंट जिनका ट्राइग्लिसराइड हाई हो उसके साथ भी यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है। थैंक्स।